आज हमारे जीवन में सुख है, कल हमारे जीवन में दुख है। अब आपको सुख हुआ तो सबरे खुश, सबरे दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरण करे सो दुख का ही खाओ। अरे दुख में जाएंगे, जय हो भगवान, जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, सबसे ज्यादा भोले बाबा को परेशान करेंगे। कछु दिलवा दो, पैसे दिलवा दो, कछु तो मिल जाए, कुछ नहीं, हम तो सब परेशान है। और जब सुख आ जाएगा तब भगवान के टाइम ही नहीं मिल रहा है, मंदिर जा ही नहीं पा रहे, इतने व्यस्त है, भगवान से मिल ही नहीं पा रहे, हम क्या करें। सुख दुख तो जीवन की गहराई है साहब, ये तो आता है जाता है। सुख दुख को देख करके कभी हमें डरना नहीं चाहिए, ध्यान रखना मेरे प्रिय जनों। जब हमें सुख मिलता है बड़ी बड़ी सुंदर अनुभूति होती, बड़े प्रसन्न होते हम अपने जीवन में, सुख मिल गया, सुख मिल गया, सुख मिल गया, सुख मिल गया, हम बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्रिय जनों, जिस प्रकार से हम सुख में प्रसन्न रहते हैं उसी प्रकार से हमें जीवन में अपने दुख से भी प्रसन्न रहना चाहिए कि हमें दुख मिल गया, ये भगवान की कृपा है जो आज हमें दुख मिला। और बोले दुख किस लिए मिला, बोले दुख किस लिए मिला कि भगवान हमें याद करवा रहा है कि हमें मत भूल जाना। ये सुख दुख है, ये चलते रहते। एक व्यक्ति हमारे सामने मर रहा है, जाकर के हम उसको आरती दे रहे हैं और हमें पता है कि आज जो ये जिस स्टेशन पे खड़ा है हमें भी इसी स्टेशन पे कल के दिन खड़ा होना है। जो आज ये इस स्टेशन पे खड़ा है हमें भी कल यहां पर खड़ा होना ही पड़ेगा, हर हालत में होना पड़ेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। फिर भी कोई मर जाए तो हम लोग बड़े प्रेम से कहते, अरे राम 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 राम, फलाना पड़ोसी बहुत अच्छा था बेचारा, मर गया, चला गया, भैया जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कौन कब मर जाए, ये कहते हुए चले आएंगे। और जैसे ही घर पे आएंगे वैसे भगवान की माया में मोहित हो जाएंगे, वो वाला हिसाब रह गया, वो वाला पैसा रह गया, वो वाला किताब रह गया, पत्नी कहेगी भगवान को तो पूछ, अरे बाद में बुढ़ापे में देखेंगे। अच्छा लोग बुढ़ापा तो ऐसे कह देते जैसे इनके बाप की रजिस्ट्री ऊपर से लिखवा के लाए, सब कहते ना आजकल की नई जनरेशन से कहो भैया भगवान का भजन, अरे मम्मी अभी बूढ़ा थोड़ी हो गया हूं, अभी बुढ़ापा तो आने दो, ऐसे कह रहा भैया जैसे ऊपर से लिखवा करके लाया हो, क्लियर कट रखाओ, क्लियर कट रखाओ। अब एक बात बताओ, किसी को ये पता है आपकी मृत्यु कब है क्या किसी को पता? आज यहां बैठे और कल बैठने योग्य बच्चे, जब कल नहीं रहे तो हो सकता है कल हमें अपने शरीर को अपने चित्त को छोड़ना पड़े, हो सकता है हमें अपने शरीर को त्याग प्रत्याग करना पड़े। आज हमें कल नहीं, फिर भी सोते हैं, अब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन करवेंगे, नहीं तो नहीं करवेंगे। तभी भगवान ने तुम सबको देख करके समझ गए कि देखो जिसका खा रहे उसी कर, उसी को याद नहीं करो। भगवान ने तत्काल बिना सोचे समझे ऊपर की विधान, वहां ऊपर की सभासद में प्रस्ताव पारित किया और सीधा कोरोना को डायरेक्ट कलयुग में लेकर के चले आए। बूढ़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप टंगे टंगाए चले गए। इसलिए क्या करो, बोले समय मिले जितना भी प्रतिदिन आपको समय मिले भगवान का भजन कर लो, क्योंकि भैया ये जीवन तो एक रेल की तरह है,